लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ गई है, राजनीतिक सरगर्मियां वैसे ही बढ़ती जा रही हैं। चुनाव को देखते हुए पार्टियों में उलटफेर का दौर तेजी से चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को अब बड़ा झटका लगा है। रितेश पांडे ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। बीएसपी सांसद रितेश पांडे आज बीजेपी में शामिल होंगे। सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी पार्टी को छोड़ दिया है। बता दें कि रितेश पांडे अंबेडकर नगर से सांसद हैं। सांसद रितेश पांडे ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा कि मुझे पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया जा रहा था। लंबे समय से मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया, ना ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं कि बीजेपी पार्टी विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं को अपनी खेमे में लाने में जुटी हुई है। इस कोशिश में बीजेपी कुछ हद तक कामयाब भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी से इस्तीफा देने वाले सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट को लेकर मचे संग्राम के बीच अब दिलचस्प मोड़ आ गया है। संभावना जताई जा रही है कि रितेश के पिता राकेश पांडे अब बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट देंगे।